हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। सोनल्स गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जीरो बजट गार्डनिंग का अपडेट मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और ये देखिए रेड कलर, फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा बड़ा रेड कलर का फ्लावर है, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। और ये देखिए ये मेरा जो है पिंक कलर, काफ़ी सुंदर फ्लावर है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और बर्ड्स भी बहुत सारी आई हैं। और इसके अलावा ये देखिए मेरा जो है करन कोई भी मेरा फूल मतलब बर्ड से लद गया है, और धीमे धीमे इसकी ग्रोथ होने के बाद इसके फ्लावर्स आ जाएंगे फेब तक, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और ये देखिए ये फ्रेंड्स मेरा गुलदाउदी में सबसे ज़्यादा मेरे वहाँ कलर है। और ये देखिए ये बहुत ही गढ़ा फूल है, इसका बहुत सुंदर ये कलर है। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा कलर है मेरे पास पिंक, और ये कैलनकुई, और ये सबसे सुंदर कलर येलो, बहुत ही सुंदर। और इस फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा बड़ा मतलब फ्लावर आया है। और इस तरह से ये ज़ीरो बजट गार्डनिंग मेरी जो है रेडी है, जल्दी ही इसमें फ्लावर आ जाएंगे। मौसम के कारण फ्रेंड्स थोड़े जो है एक साथ फ्लावर नहीं आए हैं। और फ्रेंड्स मेरे घर में जो है थोड़ा इंटीरियर का वर्क हो रहा है, काम चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अभी आपसे वन बाय वन शेयर करती चलती हूँ। और ये देखिए ये सिनेरिया का फ्लावर है, जो कि मैं बहुत छोटी छोटी पौध लाई थी, ये गजानिया के कलर बहुत खूबसूरत, येलो बहुत खूबसूरत आया है। और ये देखिए ये रेनकुलस के बर्ड आ गया है, काफ़ी मतलब जो है सुंदर सा कलर लग रहा है, पीच कलर। और इस तरह से मेरे विंटर गार्डनिंग का अपडेट है फ्रेंड्स। तो बिज़ी होने के कारण मैंने जो है सोचा कि मैं वन बाय वन जैसे जैसे फ्लावर खिलते जा रहे हैं मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। और ये देखिए ये मैरीगोल्ड रेड कलर का, जो कि जब लंबा हो जाता है मतलब बाद में लंबे समय के बाद आप इसमें थोड़ा ऑरेंज आता है और फिर लाइट हो जाता है। और इस तरह से ये लिटिल मेरा विंटर गार्डन, जो कि इक्का दुक्का इसमें रोज़ कुछ ना कुछ फूल खिलते रहते हैं, ये बास्केट्स हैं फोलियस वगैरह की। और इस तरह से मेरे जो है लिटिल गार्डन का अपडेट आता है। और फ्रेंड्स इसमें जो है अभी जब एलाइसम खिल जाएगा तो ये इसकी ब्यूटी देखते बनेगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। और फ्रेंड्स मौसम यहाँ पे कुछ ठंडा गर्म हो रहा है, इसलिए इस बार कुछ एक साथ फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी खिल रहे हैं मैं उनके अपडेट आपको दे दूँ, शेयर कर लूँ, क्योंकि बाद में एक साथ मुश्किल है इस बार, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी एकदम से गर्म हो जाती है और कभी एकदम से बहुत ठंडा हो जाता है। और इस तरह से ये गुलदाउदी मेरी आधी खिली है और आधी खिली ही नहीं है, सब में बर्ड्स हैं और कुछ मैंने बाद में बिल्कुल जो है लगाया था कटिंग, तो इसलिए वो उसमें उनमें अभी कलियां भी नहीं आई हैं। तो इस तरह से मेरे जो है जीरो बजट गार्डनिंग का अपडेट था और विंटर गार्डन लिटिल विंटर गार्डन का अपडेट था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सके तो प्लीज़ आइकन बटन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर कुछ नया लेकर कुछ नए वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।